अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने न्यू व्लॉग में, अपने चैनल HS व्लॉग्स में। आज हम आए हैं जी एम्पोरियम के साथ ही रॉयल ऑर्चर्ड होटल, जहां पर हम लोग खाना खाने आए हैं। मैं आया हूं, साथ इकबाल है और साथ उमर आया हुआ है। तो खाना खा के थोड़ा सा आप लोग इंजॉय करेंगे, चकवाल में फिरेंगे, आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं। अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा। ये है वह जी उमर, और ये इकबाल साहब। टिशू ले लो इकबाल साहब, ये सर अपना मोबाइल साफ करेंगे अभी। ये जी इकबाल भाई ने मेरे लिए पानी डाला और लग रहा है कि 7 Up है। ऐसे बबल चेक करें इसके, बबल रहे भी नहीं पता। और ये बबल के बीच में से हमारा इकबाल, ये केमिकल वाला पाउडर है। अच्छा, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का, ऑर्डर दिया हुआ है। सारे हम लोगों ने मिल के पैसे किए हैं जैसे हम लोग करते हैं अक्सर। तो अब हम खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आता है खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको भी कराते हैं। जी हम लोग बैठे हैं जी रॉयल ऑर्चर्ड में, हल्का हल्का गाने लगे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, और त्रासी पाड़ू बैठे हैं। अच्छा हाँ, एक और पाड़ू, मैं तो बोल रही हूँ, ये भी पाड़ू। थैंक यार, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये हंस पता क्यों रहे, मैं आपको बताता हूँ ये हंस क्यों रहे। अभी यहाँ पर इन्होंने डेकोरेशन की हुई है कोई गुब्बारों की, तो वो गुब्बारा भी फटा और मेरा त्राव निकल गया। इतना भी याद निकले फूल, इन्होंने ऐसे यूं अपना एक वो चौरस है ना नीचे से खड़ा हो जाता है यूं, इन्होंने यूं फूल रखा और ठीक है। तो ऐसे में सीधा सिंगल खड़ा हुआ, मैंने कैचअप का स्पोर्ट लिया है, जान ही पटा हुआ भाई देखे, ओ भाई ये क्या हो गया, नीचे से मुड़ कर देखा वो भैया तो टूट गया। जैसे ही हुआ वो देखे, उन्होंने डेकोरेशन की हुई है ना गुब्बारों की, तो वो कोई फटा, तो इस वजह से लगा कि जैसे कि कोई मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, तबाह हो गया कोई चीज़। अरे जी सैलड आ चुकी है, ये हमारे खीरे, और ये हमारे खीरे पड़ने वाले, ये रायते भी आ गए, बस अब खाने का इंतज़ार है। ये देखें जी, जैसे नाबीना होते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दो, मेरे दो आँखों से माजू करो। चाउमीन तो आ गए हमारे, चले जी हम खाते हैं, और अब बाकी सामान भी आता है तो खाते हैं, आपको दिखाते हैं। हमने आपको एक स्टेटस दिखाना है जी, बड़ी मुश्किल से हो रही है, इकबाल का स्टेटस है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं, उससे पहले ट्रीट हो जाएगा। अच्छा दीदी खाते हैं, गाय जो करेगा वो पैसा भरेगा। अच्छा नहीं दिखा रहे यार, अरीम भाई छोड़ देना। ये देखे जी इकबाल का स्टेटस, ये देखे यहाँ से सही मजी होती है। चले जी अभी दूसरे ऑर्डर में टाइम है, तो हम लोग चाउमीन तो डालते हैं। चाउमीन के साथ लड़ाई जारी है, डाल के बात करते हैं। नहीं ये तो ख़त्म कर दिया हमारे काकों ने, खाने का इंतज़ार है, खाना आए तो साहब खाने के टाइम पे बातें नहीं करते ना, वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी, ओके सर, चले जी खाने के बाद, नहीं खाने के बाद नहीं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। नहीं जी खाना आ गया हमारा, अब खाना हमने मंगाए हैं, टिक्के मंगाए हैं, सीख कबाब मंगाए हैं, और चिकन जिंजर मंगाया, और साथ हसबे रवायत रोटी नान मिक्स पेप्सी। टूट पड़ो काको, टूट पड़ो।
चलें जी हम भी अब टूटते हैं, पेट पूजा करके फिर मुलाकात करते हैं। चलें जी, खा चुके हैं हम लोग सारा खाना, ये भी खा चुके हैं, ये भी खा चुके, बल्कि अभी ये तो मेरे ख्याल में खा रहे हैं, सामना दे हमारे। अल्लाह पाक कहता है आराम से खाओ और चबा चबा कर खाओ, और इतना खाओ कि दो बंदों को खाओ। जी तो सालन थोड़ा सा बचा था, हमने पैक करा लिया सालन और रोटियां के, कोई छोटा बच्चा होगा जो खाने पीने के लिए बैठा होगा उसको हम दे देंगे। चले जी हमने दे दिए, जो सालन बच गया था वो हमने एक बच्चे को दे दिए, वो अब खाएगा आराम से। तो बस अब चलते हैं चोहा की तरफ, खाना पीना तो हमने कर लिया, इंजॉय भी कर लिया। ये है जी रॉयल ऑर्चर्ड जैसे हम लोग गए हुए थे, ये आपको दिखाते हैं, ये बस अब जा रहे हैं हम लोग, बस इंजॉय कराते हैं आपको। ये अपना ब्लैक पैंथर खड़ा है और ये रेड कैंसर, रेड कैंसर ब्लैक पैंथर। भाई यामा को कौन कहता है कि यामा भागता नहीं है, यामा भागता है, यामा की जो बॉडी है वो ये बाइक होते हैं माउंटेन लंबे सफर के लिए। मिसाल के तौर पे हमने जाना है कहीं लंबे सफर मरी नारायण सवाद, इस पे हम कंफर्टेबल होकर जाते हैं, और अगर हम उस पर जाएं चलें भाई इस लंबी सी बहस के लिए इनके लिए एक ताली और लाइक तो बनता है, काइंडली लाइक कर। शाबाश बेटा। जी तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, लेकिन पहले इकबाल साहब अपना बाइक सर्विस कराएंगे, फिर हमने आटा लेना है, आटा लेके और फिर घर चलते हैं। जी हमने आटे के लिए ये डब्बा पूरा लगाया हुआ है, ये देखिए HS ब्लॉक का डब्बा। चलो जी पहुँच गए हम सर्विस स्टेशन में, इकबाल साहब अपना मोटरसाइकिल सर्विस कराने लगे हैं, सर्विस होता है फिर आपको सर्विस हो के दिखाते हैं, सर्विस को थोड़ा सा हम लोग तेज करेंगे, देखिएगा सर। जी हमारा मालशिया आया, वो देखें मालिश कर रहा है मजे से। क्यों मालशिये? मेरे भाई के सर पे दर्द हो रही थी, हम दोनों चावल जब इकट्ठे होते हैं ना चावलों के चरणों के सर में दर्द होने लग पड़ती है। बिल्कुल ऐसी बात है ना, ऐसी ही बात है। अपना सर्विस हो रहा है जी इकबाल का, भाई बड़ा प्यारा सा सर्विस कर रहे हैं, बस सर्विस होता है फिर ये भी लश्कारे मारेगा अपने पैंथर की तरह, फिर चलेंगे आटा लेंगे और फिर घर की तरफ निकलेंगे। जी इकबाल का ब्लैक कैंसर भी साफ सुथरा हो गया, अब बस चोहा की रोड पे जाएंगे तो चोहा की रोड पे फिर दोबारा ऐसे ही ऐसा हो जाना। नहीं नहीं इस बार इंशाल्लाह भाई केयर के साथ चला के जाएंगे। जनाब जी चोहा की रोड पे केयर नहीं चलती, मिट्टी चलती है। खानपुर वाली साइड 3 घंटे लग जाना है। इकबाल साहब का भी मोटरसाइकिल सर्विस हो गया, आटा लेते हैं और घर की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब अपनी पारो को चमकाते हुए, इकबाल पारो चमक रही है, पारो के देवदास मुंह पर कर दे, ये है हमारा पारो का देवदास। इकबाल साहब पारो का इतना ख्याल रखते हैं तो सोचें अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेंगे। Oh my God! क्यों देवदास? रन मुरीद, रन मुरीद विक्ट्री का साइन बनाओ। नहीं जी इकबाल साहब का मोटरसाइकिल सर्विस हो तो हम लोग भी घर चलें। इकबाल लोग तो निकल चुके हैं, इन लोगों ने भी परिंदा लेना था, मैं बस आटा लेता हूँ और आटा लेके फिर मैं चोहा चौक में इनका वेट करूँगा,
वेट करके फिर आगे निकलेंगे। तो ये हमारा सेटअप बना हुआ है जी। तो हम लोग पहुंच गए हैं जी आटा लेने, ये मोटरसाइकिल खड़ा है, यहाँ से आटा लेंगे और अपनी डिग्गी में रखेंगे और फिर इंशाल्लाह चलते हैं आगे। डिग्गी हमारी चेक करें, JDR का बॉक्स लिया जी डिग्गी में। अब शॉपर बंद करते हैं और फिर बस चलते हैं आगे। चोहा चौक में इकबाल लोगों का वेट करेंगे, इकबाल लोग कहेंगे मैं परिंदा को ही लेने, उनका वेट करते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं घर की तरफ और वहाँ पर ये ब्लॉग का एंड करते हैं। डिगी करते हैं जी बंद और बस निकलते हैं चोहा चौक की तरफ। ले लें जी डिगी बंद हो गई, बस निकलते हैं आप। हम लोग जी चोहा चौक आ चुके हैं, हम लोग अब रुके हुए हैं, इकबाल लोगों का वेट कर रहा हूँ। इकबाल आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे चोहा और यहाँ पर ही हम पेट्रोल डलवाएंगे, आखिर में पेट्रोल क्यों ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद व्लॉग का एंड करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा हमारे इस व्लॉग का, था छोटा सा व्लॉग, हम लोगों ने मस्ती की है तो शायद आपको पसंद आए। पेट्रोल डलवाने लगे हैं जी हम, पेट्रोल पम्प पर आ गए हैं। पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हम, जी तो ये था जी आज का व्लॉग। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली हमारे चैनल HS व्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।